தேவனாய் கர்த்தர் கடைசி நாளெல்லாம் கண்மணி போல் நம்மை பாதுகாத்து இந்த நல்ல நாளிலே தேவனாய் கர்த்தர் ஆராதிக்கிறார் प्रभु की आराधना करने प्रभु ने अनुग्रह किया प्रभु को धन्यवाद उसी लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे उसकी चौथा वचन को कोई पढ़ सकते फिलिपियों की पुस्तक चौथा अध्याय उसकी चौथा वचन प्रभु में सदा आनंदित रहो मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो प्रभु में सदा आनंदित रहो आनंदित रहो प्रभु के संतानम प्रभु में सदा आनंदित रहने के लिए प्रभु कहते हैं हम उसे ठीक से जानना चाहिए प्रभु में सदा आनंदित रहना चाहिए करके प्रभु कहते हैं हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा भी वही है संतोषमा आंदोलन हम हमेशा आनंदित रहना चाहते हैं प्रभु की इच्छा है वापस कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो वो लिखते समय प्रभु यीशु मसीह में जो प्रिय भाई है उनके लिए और जो देखभालों के और जो मदद करने वालों के लिए मैं लिखता हूँ करके शुरू करता हूँ प्रभु के अंदर रहने वाले सारे पवित्र लोगों के लिए सारे सेवकों के लिए हमेशा आनंदित और खुशी के साथ रहना परमेश्वर की इच्छा इसलिए आत्मा परमेश्वर यहाँ पर लिख के रखे हैं इसे लिखा हुआ लेखक पौलुस के बारे में देखते समय दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा हुआ उनके शरीर में उनके लिए काटा दिया गया वो काटा हटने के लिए 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया अपनी विनपम बने ऐसे विनती करते उसने परमेश्वर ने मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है तेरी निर्बलता में मेरी कृपा तुझे संभालेगी क्योंकि उसने कहा तेरी जिंदगी में कहीं तकलीफ आ सकती है और कुछ तकलीफ तो रहते ही है उसी लिए तू प्रार्थना करता है उसके बारे में चिंता मत करना तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ तुझे संभालेगी तेरे समस्या में मैं तेरे साथ रहकर मैं तुझे और तेरे समस्या में उदय तेरे साथ रहकर मैं तेरा मदद करूंगा तेरे लिए मैं भलाई करूंगा जैसा उनके लिए कहा वैसे हमारे लिए भी कहते हैं इसलिए प्रेरित क्या कहते हैं वल्ल में तंगुबड़ी मसीह की सामर्थ मुझ में बसा रहने जैसे समझ लेना आंदोड़े वल्ल में तंगुबड़ी प्रभु की सामर्थ मेरे ऊपर रहने के लिए मेरी निर्मलताओं में मैं बहुत खुशी से मैं उसकी तारीफ करता हूँ करके वो पहले जो प्रेरित होते वैसे ही दिखाई पड़े बड़े बड़े सेवा किए अद्भुत अतिशय अद्भुत काम उनको भी शरीर में एक तकलीफ वो तकलीफ हटने के लिए प्रभु से प्रार्थना कह दिया कि वो तकलीफ रहने दो तेरे निर्बलता में मेरी शक्ति तेरे में सामर्थ्य प्रकट होगी प्रभु की सामर्थ सदा हमारे ऊपर रहने के लिए उस जब निर्बलता आती है तो उस कृपा को मैं समझता हूँ
சந்தோஷம் அடைகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் इसलिए वो निर्बलता के कारण में बहुत खुशी होता होगा क्या वो कहता है அதுவரை பலவீனமா இருக்கும்போது நான் பலவானாக இருக்கிறேன் और जब निर्बल हूं तभी ही मैं बलवान हूं அதுவரை கிறிஸ்துவின் தே எனக்கு வருகிற எல்லா பலவீனங்களிலோ इसलिए मसीह के कारण मेरे आने वाले सारे निर्बलताओं में நிந்தைகளிலோ और जो दुखियों में நெருக்கங்களிலோ और दबावट में துன்பங்களிலோ कष्ट में இடுக்கங்களிலோ और जो दबावट में நான் பிரியப்படுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இந்த सारे बातों में मैं खुशी होता हूं करके वो कहता है आपके लिए எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் சரி जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति आ जाए ना ना मैं गुरु तो मिगंद संतोष पड़ गए मैं उसके लिए बहुत खुशी उठाता हूं मैं कवलिया के अंदर कर दी मैं तकलीफ ही नहीं सोचता हूं देव मेरा को बोल मानवरा ये रख रहा है प्रभु मेरे लिए काफी है वल्ल में इन मेल इरंगो उनका सामर्थ्य मेरे ऊपर उतरेगा प्रचलन वर्गन मूलम देव ने ये कोई पाद जाकरा संपर परेशानी आती तो प्रभु कैसे संभालता है ये कोई नरत गया कैसे चलाते हैं इधर वाला ये कोई उरवाड़ गया फिर सब कैसे बात करते हैं इधर वाला ये कोई उरयाड़ गया फिर सब कैसे बातचीत करते हैं ये कोई तपो विकरा ऐसा मुझे बचाता है बट ये वो नन्हे से ही करा मुझे कितना भलाई करता है इतना आदि से ही अद्भुत में से ही करा इतना अद्भुत काम करता है ये तो ना आदि तो बोलना पड़ी कर दे ऐसे मैं समझ सकता हूं मानव ने उधर और सो ले रहा इसीलिए वो कहता है अपने पुलाले नमे कुरित प्रभु के बच्चे लोग हमें देखा नीगल उनसे संतोषमय रहेंगे आप लोग खुशी के साथ रहो कवले पड़ा रहेंगे आप लोग दुख मत ये बोलो में नीगल संतोषमय इरक मुडियो आप लोग आनंदित रह सकते हो ये वाक्य ना अनुभव करके नंदा और सो ले रहा मेरे जिंदगी में वो एक्सपीरियंस किया करते वो कहता है எபிரேயர் 12வது அதிகாரம் 12வது வசனத்திலே இப்ரானியோ 11 அதியாய 12 வசனம் அவர் தமக்குமுன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு अपने सामने रखा हुआ खुशी के अलावा அவமானத்தை எண்ணாமல் और जो अपमान को छोड़कर சிலுவையை சகித்து क्रूस को सहकर தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கிறார் प्रभु के सिंहासन के दाहिने ओर पे वो बसा है हालेलुया हालेलुया அவருக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் பரலோகத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது बड़ा खुशी स्वर्ग में रखा है அவர் அறிந்து கொண்டார் वो समझ लिया அவருக்கு தமக்கு முன் இருக்க அந்த சந்தோஷத்தை மட்டும் அவர் பார்த்தார் अपने नजर के सामने रखा हुआ उस खुशी को ये बड़ा பெரிய சந்தோஷம் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் मेरे प्रभु ने इतना बड़ा खुशी रखा है கர்த்தா இயேசுவிலே இவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் இருக்கிறபடியாலே इतना बड़ा खुशी है इसलिए அவர் வாழ்க்கையில எல்லா அவமானத்தை எண்ணாமல் अपनी जिंदगी के सारे अपमान को नहीं सोचा சிலுவையை சகித்து क्रूस को सहकर தேவனுடைய சிங்கா तो वालों दोबारे से तेरे बीच रखेगा। प्रभु के सिंहासन के दाहिने ओर पर वो बसा है। हालेलुया। हालेलुया। अपने नामुने वाल के लिए वो पार गए न मचीले। हमारी जिंदगी में आने वाले दुख तकलीफ में। आ नामु नामुने पिलावाए देव ने नामुने आंटरा ये सुरते नौ की पार कर बैंडो। हम भी अपने पिता परमेश्वर को देखना चाहिए। नाम का तो परलोक दिलो परिय और आसमान दो वाइत रखेगा। हमारे स्वर्ग में एक बड़ा आशीर्वाद को प्रभु ने आगे हम निश्चय मार पेट्रो को लगेंडो। उसे निश्चय हम पा लेना चाहिए। अगर कहता तो वाले दिले बांधो बंदर करो। उसीलिए इस दुनिया में हम जी रहे महिमा प्रकट होने के लिए महिमिया जब उनका महिमा प्रकट होगा तभी उनका महिमा प्रकट होगा तभी கரிகூர்ந்து மகிழும்படியாக तुम लोग खुशी से आनंद उठाने के लिए அவருடைய பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிகளாக சந்தோஷப்படுங்க மசீ இயேசு के दुखों के सहभागी हो इसलिए आनंदित करो அவருடைய பாடுகளிலே நாம் பங்கு பெற்றா उनके दुखों में हम भाग लिए நாம் அவர் மகிமை வரும்போது நாம் மிகுந்த மகிமையோட சந்தோஷப்படுவோம் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது जब वो आएंगे तो उनके महिमा के साथ हम भी आनंद होंगे करके लिखा हुआ है கிறிஸ்து நாமத்தின் निमित्त நீங்கள் நிந்திக்கப்பட்டா மசீ के कारण तुमको अपमान हो गया तो நீங்கள் பாக்கியவான்கள் तुम धन्य हो ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆவியாகிய மகிமுள்ள ஆவியானவர் உங்கள் மேல் தங்கி இருக்கிறார் क्योंकि परमेश्वर की महिमा की आत्मा तुम्हारे अंदर बसा है ஆனபடியால் அவர் உங்களுக்கு எல்லா காரியங்களிலும் எல்லா தீமையிலிருந்து விலக்கிவிட்டு உங்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை தருவார் इसलिए सारे दुख तकलीफ को हटाकर तुम लोगों को खुशी देगा வேதமானது நாம் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் நமக்கு இங்கே அறிவுறுத்துகிறது பவித்திர சாஸ்திர சதா ஆனந்த रहने के लिए वो बताता है ஆனபடியால் நாம் பார்க்கிறோம் முதலாவது கர்த்தரை தேடுகிற யாவருக்கும் ஒரு ஆவிக்குரிய மகிழ்ச்சி சைலபர மகிழ்ச்சி உண்டாகும் तो पहली बात परमेश्वर को जो भी खोजता है उनको आत्मिक आशीर्वाद और शारीरिक आशीर्वाद संगीतम 40वां अधिकारम 14वां वचनते और वरवा सीखला वचन संहिता 40वां अध्याय उसकी 16 वचन मैं தேடுகிற அனைவரும் உம்மை தேடுகிற அனைவரும் மகிழ்ந்து சந்தோஷப்படுவார்களாக உமக்குள் மகிழ்ந்து சந்தோஷப்படுவார்களாக உம்முடைய இரட்சிப்பை விரும்புகிறவர்கள் கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்று எப்பொழுதும் சொல்வார்களாக
वचन संहिता 40:16 परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, जो तेरे किया हुआ उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो। ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ कुछ भी बात के लिए प्रभु से ढूंढते हैं और जैसा कहता है मंदिर संधि मध्यान वे आंडर आगे कर्तन के नंदी सुबह दोपहर शाम रात हमेशा परमेश्वर की महिमा करते हैं तुझे भरोसा करने वाले सारे लोग हमेशा आनंदित रहेंगे करके लिखा हुआ परमेश्वर पर भरोसा करके उनपे आशा रखकर जो संतोष सभी लोग खुशी हो जाएंगे हमेशा गरजेंगे कारण देवन क्योंकि प्रभु उन्हें संभालता है कड़ी को हमारे ऊपर वो प्रेम करता है और खुशी भी होता है आश्चर्य आश्चर्यचकित की बात है महिचि उलगे इस दुनिया में कई सारे लोग बिना खुशी के ऐसे ही चले जाते हैं खुशी रहने के लिए कई प्रयास वो लोग उठाते हैं महिचिया लेकिन उसका अंत उनको खुशी तो नहीं देता प्रभु के चरण में बैठकर उसकी महिमा जब हम पाते हैं प्रभु वचन के साथ हमसे बातें करते हैं दर्शन से बातें करते हैं तेरे साथ हूँ ना उन्हें तो बुला कर तुम मिल रही मैं तुझे नहीं छोडूंगा मैं कहीं बड़े तुम बुला इन्हें बोले गया तुझे नहीं क्या होगा करके बोल देता है तब हमें तो मिलने मरीज उन्हें आकर तब हमें बहुत आनंद होता है ये ना वो कर्तव्य को लेकर ध्यान ही पूरा लेकर मिलने संतोष मंडा है दूसरी बात प्रभु के बारे में जो ध्यान करता है उनको खुशी होगा अरे आंदा में कुछ ध्यान ही के रेंडो प्रभु के बारे में ध्यान करना है और सर्व बल मूल देवन वो कितना सर्व शक्ति प्रभावित नाड़ी में इतनीयो नन्मेले से इरकरा जब से जन्म लिया तब से कितना भलाई किया अभी भी कितना भलाई कर रहा है आगे भी बहुत सारा भलाई और खुशियां मान ले प्रभु हमें ज्ञान दिया कैसे इस दुनिया में जीना चाहिए कैसे प्रयास करना कैसे कमाना है कैसे खर्चा करना है ऐसे प्रभु ने हमें दिमाग दिया ऐसा अच्छा प्रयास करना जितना खर्चा करना है उतना ही करना है उनके पता है वर्मान के 10,000 तुम्हारा सैलरी है अगर 15,000 खर्चा करेंगे तो फिर तुम कर्जदार हो जाओ प्रभु के लोग आप लोग समझ लो प्रभु को सम्मान करना कर्तरे गणम पन्ना दे कई सारे लोग अपने जीवन में प्रभु को सम्मान उनके जीवन तो है शानदार नहीं है प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे देवन कई बड़ा पाटा कभी प्रभु नहीं छोड़ेंगे कर्तर नमक बलते प्रभु हमें ताकत देते ज्ञान दे दिमाग देते हैं हम संपादिक हम जो कमाते हैं एक बात आप सब लोग जान लो प्रभु का जो भाग है उस सैलरी में से निकाल के उसे प्रभु को दे देना है संबलम चाहे तुम्हारा पगार ज्यादा आवश्यक मिल रही उसका चिंता नहीं उठाना आंदोलन प्रमाण के निर्णय बोलते प्रभु की आज्ञा पूरा करते समय कुछ कमी नहीं होगा दरवाजों को खोलकर प्रभु तुम लोग को आशीष करेगा ऐसे तुम नहीं करेंगे वंचित आंदोलन मुझे वंचित किया करके प्रभु वंचित मक्कल लोग पूछते हैं किसमें हमने वंचित किया दसों खाने के लिए आंदोलन
சொல்லுகிறார் தசம்ஸ் மே ஆர் பேட் சடானமே करके प्रभु ने कहा ये और कणिन उन्होंने சொல்லுகிறார் क्यों ऐसे प्रभु केवल आशीर्वादத்திலே குறைந்து போய் விட கூடாது आप लोग आशीष में कमी नहीं होना है நீங்கள் மகிழ்ச்சிலே குறைந்து போய் விட கூடாது खुशी में कमी नहीं होना है वो எல்லா ஆசீர்வாதம் நிறைவாய் இருக்கின்ற பொழுதுதான் सारे आशीष पूर्णता से होंगे வாழ்க்கையில மகிழ்ச்சி நிறைவாய் இருக்கும் हमारी जिंदगी में आशीष भी बहुत होगा आप अपने नाम देवने नाम எதிலே நாம் தியானித்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் तो प्रभु को हम ज्ञान करके क्या कर लेना चाहिए क्या पाना चाहिए आदि वर्तमान देवने தியானித்து தேவன் சொன்ன பிரகாரம் செய்ய வேண்டிய காரிய செய்து முடியல பெரிய ஐசிரோங்களை காணப்பட்டார் சிம்மக்கி பக்தோ ने प्रभु पे ध्यान किया बड़े-बड़े आशीष को पाए आपके वाक्यलो और शरीर परमाग देवनातर ஏராளமாய் ஆசீர்வதித்து வருகிறார் जीवन में और शारीरिक जीवन में दोनों में प्रभु ने आशीष किया और மக்கள் நாள் में அப்படி இல்ல लोग ऐसे नहीं आते करके குறைகளை நினைத்துக்கொண்டு अपनी கமியோ को सोचकर ஆண்டவர் எப்படி போயிட்டு போகிறார் परमेश्वर कैसा विचार करते हैं उलिए लोग भी போயிட்டு போகிறார் प्रभु की सेवा भी कैसे करना है என்ன வந்து செய்ய முடியல என்று மக்கள் நினைக்கிறார் लोग कहते हैं कि मेरा ही कुछ चल नहीं रहा है ஆண்டவர் எல்லாம் தெரியும் प्रभु सब जानता है உங்களுக்கு உணவு வேண்டும் உடை வேண்டும் இருப்பிட வேண்டும் சகலமும் ஆண்டவருக்கு தெரியும் आपको भोजन चाहिए वस्त्र चाहिए और रहने स्थान चाहिए प्रभु सब जानता है அதாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தோட நீதியையும் நீங்கள் வந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் पहले प्रभु के राज्य और उसके धार्मिकता को खोजना है அதே தேடி அதே தியானித்து அதே செய்ய வேண்டும் उसे खोजना है उसको ज्ञान करना है और நீதியே நிறைவேற்றணுமாய் இருக்க வேண்டும் धार्मिकता की पूर्णता करना है உங்களுக்கு தேவன் உங்கள் பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார் ये सब चाहिए करके प्रभु जानता है தேவனுடைய ராஜ்யத்தோட நீதியையும் நீங்கள் தேடுங்கள் செய்யுங்க प्रभु के राज्य और नीति को ढूंढो அப்போ இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ये सारे बात इसके साथ ही साथ मिल जाएगा சங்கீதம் 134:34 வாசிக்கலாம் பஜன் சங்கீதம் 104:34 को पढ़िए ध्यान करना उसको प्रिय लगे क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा நாம் அவரை தியானிக்கும் தியானம் மே ஓ करने वाली தியானம் அந்தி சந்தி மத்தியான வரை அவர் தியானித்தார் सुबह दोपहर शाम को उसने ध्यान किया அந்த மகிழ்ச்சியின் காரணமாக ये खुशी के कारण அவர் வேதத்தை தியானிக்க முடிய குறித்த ஜாமங்களுக்கு முன்னே எழுந்து விடுவாரா சாஸ்திரம் को जानने के लिए उस समय से पहले ही वो तैयार हो जाते வேதத்தை தியானிக்கினால் உண்டாகிற சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி ஆசீர்வாதத்தினாலே சாஸ்திரம் को ज्ञान करने से होने वाली खुशी से அவர் பாதி ராத்திரிலே எழுந்திருந்து தியானிப்பாரா आधा रात्रि को भी वो उठ जाता था ஜாபத்துக்கு முன்னாலே எழுந்து விடுறதுன்னு எழுதி இருக்கறார் சோ பஞ்சோ டைம் பே உட்கார் उसके पहले ही उठ जाता ஏன்னா அவரே தியானிக்கிறவங்களுக்காக ஒரு ஞாபக புத்தகம் வந்து எழுதப்படுகிறது क्योंकि जो भी उनका ज्ञान करते हैं उनके लिए एक जो एक पुस्तक लिखा हुआ है நாமே எத்தனை பேர் வேதத்தை தியானிக்கிறோமோ எந்தெந்தக்கு எவ்வளவு நேரம் தியானித்திருக்கோம் அங்கே புத்தகத்தில் எழுதப்படும் हम में से कितने लोग कितना பைபிள் படுத்தே वो उधर लिखा जाएगा हां தேவன் ஞாய தீர்ப்புனால இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் அங்கே திறக்கப்பட்டு எல்லாம் பார்க்கப்படும் प्रभु के न्याय के दिन में वो पुस्तक को खोलकर किसने क्या किया वो देखा जाएगा अपन आप कर्तव्य के प्रियमय जीवित होना अगर प्रभु का प्रिय जिया तो ज्ञानित कोटे इरंदवाना अगर ज्ञान करते रहे तो आदर नमक कर्तव्य கொடுத்து கொண்டு இருப்பார் प्रभु सिखाते रहेंगे அதான் வேதத்தில் எழுதி நம்மளுடைய கையிலே கொடுத்திருக்கிறார் இसलिए பைபிள் को प्रभु ने लिख कर दिया ज्ञानिकர தியானம் மிகவும் இனிமையா இருக்கும் என்று பக்தன் இங்கே சொல்லியிருக்கிறார் इसको ज्ञान करेंगे तो बहुत वो मिठास होगा करके हमारे தேவனாய் கர்த்தர் கொடுத்த ரட்சிப்பு நினைவுகொண்டு நாம் சந்தோஷப்பட வேண்டுமா तीसरी बात प्रभु के उद्धार को सोचकर हम खुशी होना चाहिए நமக்கு சந்தோஷப்படுவதற்கு ஏராளமான காரியங்கள் இருக்கிறது हमारे खुशी होने के कई सारी बात है ஆனா இவைகளை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு ये सब साइड में रख कर கவலை படுகிறதிலே எப்பொழுதும் காணப்படுகிறார்கள் தூக்கு உட்டானவே हमेशा हम लोग कोशिश उठाते हैं எதை எடுத்தாலும் கவலை படுகிறார்கள் कुछ भी उठाएगा तो टेंशन எதை எடுத்தாலும் கவலை படுகிறார்கள் ஒளியே कुछ भी उठाते तो निराश होते हैं ஆண்டவர் சொன்ன பிரகாரம் சந்தோஷமா இருக்கிறது இல்லை प्रभु जैसा बोलते हो वैसा खुशी नहीं रहता है எதை ஆண்டவர் குறித்து தியானிக்கிறது இல்லை क्योंकि प्रभु के बारे में ध्यान नहीं करते लोग रेंजी में बोलते रह रहा हमें उधार दिया है பாவிகளாய் காணப்பட்ட நம்மை தேவனாகந்த பாவத்திலிருந்து நம்மை கழுவி சுத்திகரித்து நம்மை ரட்சித்திருக்கிறார் हम पापी होते हैं प्रभु ने हमें पापों को सब हटाकर पवित्र किया उद्धार किया अब नाम रचिकपट्टवरगे अभी हम उद्धार पाए लोग हम परिशुद्धवानगे हम पवित्र लोग हम नीतिमानगे हम धर्मी लोग अब हमारे वीडियो எப்படி இருக்குமா तो हमारा घर कैसा होगा संगीत 118:15 வாசிக்கலாம் वचन संहिता 118:15 को पढ़िए நீதிமான்களுடைய கூடாரங்களிலே ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் மகிழ்ச்சி உண்டு என்று எழுதப்பட்டுள்ள தர்மியோ கே தம்பூ மே ஜெய ஜெயக்கார உதார கி துவனி ஹோத்தி ரஹதி ஹே அப்ப இந்த நீதிமான்களின் கூடாரங்கள் யாருடைய கூடாரம் தர்மியோ கி தம்பூ மத்லப் கிஸ்கா கர் யாருக்குள்ள ஒரு கூடாரமா
वो किसका घर है इल्ले अरण्यानवरले ऐसे नहीं नाम अल्लाह रचिकपट्टिरुकरो हम सारे लोग उद्धार पा रहे नीति मान लेंगे आंदवर சொல்லுகிறார் धर्मी करके प्रभु कहते हैं अब हमारे पुराणங்களிலே हमारे तंबुओं में रचिपिन गंभीर सत्तम இருக்க வேண்டும் हमारे घर में उद्धार की ध्वनि होना चाहिए तो मारपट्टे காணப்படுகிறது என்றால் इसके अलावा है तो हमारे तेरे अंदर குறைகள் இருக்க हमारे में क्या कमी है எதில் தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாமல் நடந்து விட்டோம் किस में प्रभु के ना प्रिय चले எதில் தேவனுடைய సన్నిధానத்திலே சரிபடுத்திக்கொள்ள வேண்டும் वो हम जो ठीक करने की बात ठीक करना है நம்முடைய ஆதி பிதாக்களெல்லாம் அவர்கள் பாவம் செய்த பொழுது ஆதி பிதாவே பாப் கேசிலே கைப்பற்றப்பட்டார்கள் வேல छोड़ेंगे தங்கள் உணர்ந்த ஆண்டவரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்டு திரும்புகின்ற பொழுது अपने आप को समझकर माफी मांगकर वापस आए ஆண்டவர் அவர்களை மன்னித்தார் प्रभु ने माफ किया மறுபடியும் மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு கொடுத்தார் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது वापस खुशी उनको दिया गया நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறதினால் हम उद्धार पाए इसलिए பரிசுத்த ஆவியே தேவன் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे दिया गया நமக்குள்ளாக வாசம் பண்ணுகிறார் वो हमारे में निवास करते हैं और हमें நடத்துகிறார் वो हमें चलाते हैं और हमें உணர்த்துகிறார் वो हमें सुन देते हैं और हमें பாதுகாக்கிறார் वो हमें संभालते हैं और हमें ஏத்துகிறார் वो हमें தாவரம் में சுமக்கிறார் वो हमें உபசுட்டாதே நமக்கு என்ன வேண்டுமோ எல்லாவற்றையும் தருகிறார் जो चाहिए सारी बात को देते हैं இதை அறிந்து உணர்ந்து நாம் தேவனிடத்தில் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் இதை சோச்சுகர் சமச்சுகர் प्रभु में हमेशा आनंद हो और வசனம் அருமை வசனம் ஏசாயா 35 ஆம் அதிகாரம் एक अच्छा वचन ஏசாயா 35 அத்தியாயம் महिच लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उसके सिर पर सदा का आनंद होगा वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा अच्छे से समझ लो उधर पाए प्रभु के लोग हमारे जिंदगी में जिंदगी से आनंद हर्ष की गीत गाकर सियोन पर्वत हम उधर पाए आनंद कलिपुड़ी हर्ष का गीत गाते हुए प्रभु की सियोन यानी की कलिशा में आए नित्यमान महिचर तले अलंकार की खुशी उनके सिर पर रहेगी ஆண்டவர் பொய் சொல்லுற மனிதன் அல்ல प्रभु एक झूठ बोलने वाला प्रभु नहीं நிச்சயமாக நித்தியமான மகிழ்ச்சியை நமக்கு தருவார் सदा का आनंद जरूर देंगे அல்ல நாம் என்ன செய்து விடுகிறோம் हम क्या करते हैं ஆண்டவரே காரியத்திலே தவறுகளை நாம் செய்து விட்டு प्रभु के कार्य में गलती करते हैं நம்முடைய மனசாட்சி பேசினாலும் மனசாட்சி மழுங்கடித்து விட்டு हमारा विवेक बात करते तो भी विवेक को हटाकर हम सोचकर அதற்குப்புறம் அதை நினைத்து நினைத்து வேதனை படுகிறோம் फिर सोच सोच के दुख उठाते हैं வருகிற ஆசீர்வாதங்கள் நின்று போகிறது आने वाला आशीष भी हट जाती है எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் எழுதப்பட்ட வேத வசனத்தின்படி மாத்திரம்தான் நடக்கும் जो भी आशीष है वचन के अनुसार ही होगा இந்த வசனத்தின்படி நீங்க ஜீவித்தீ बेटा वचन के अनुसार जिएंगे तो ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஏராளமான ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார் प्रभु बहुतायत से तुम लोगों को आशीष देंगे எப்படி கொடுப்பார் எங்கிருந்து கொடுப்பார் என்பது ஆண்டவருக்கு தெரியும் कैसे देंगे कब देंगे कहां देंगे प्रभु को मालूम है आप அதிசயமும் அற்புதமும் நடப்பிக்கிற தேவன் वो अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाला प्रभु இப்படி தவறு செய்து விடுகிறதினாலே हम ऐसी गलतियां करते हैं हमारे மனசாட்சி நம்ம எப்பவும் குற்றப்படுத்திக்கொண்டே இருக்கிறது हमारा विवेक जो है हमेशा हमें कोसते रहती है अपने குற்றப்படுத்தினா போய் முழங்கால் படிட்டு நம்மால ஜெபம் பண்ண முடியாது ऐसे विवेक के साथ हमें घुटना टेककर प्रार्थना करनी चाहिए ஆவியானவர் பேசுவார் आत्मा प्रभु बात करेंगे இந்த காரியத்தில் தவறு செய்து இருக்கிறார் இஸ் பாத் தே கரெக்ட் இந்த காரியத்தை சரிபடுத்திக்கொள் நீ ஏ காரியம் ठीक कर ले அப்ப சரிபடுத்தினால் மாத்திரம்தான் அந்த மனசாட்சி மறுபடியும்மாக சந்தோஷம் அடையும் अगर ठीक किया तो ही मन की विवेक ठीक होगा நீங்க சரிபடுத்தாத வரையிலே தேவனாய் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அதை ठीक नहीं किया तो फिर प्रभु नहीं कर सकते நீங்க உங்களை சரிபடுத்தி ஆண்டவரிடத்தில் மறுபடியும் மன்னிப்பு கேட்டு ஆண்டவரே நான் எல்லாம் செய்து விட்டேன் ஆத்மா கண்டிப்பாக ஆசீர்வதிப்பார் लेकिन तुम लोग वापस प्रभु से माफी मांगकर प्रभु मुझे आशीष करोगे के प्रार्थना करो जरूर आशीष और ரட்சிக்கப்பட்ட நம்மே நம்மீது நித்திய மகிழ்ச்சி இருக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் हमारे सर के ऊपर सदा आनंद रहेगा ஆண்டவருடைய காரியத்தில் நீங்கள் சரியாக இருந்து பாருங்க प्रभु के कार्य में ठीक से रहकर देखो நீங்கள் ஆண்டவரை சரியாக தேடி பாருங்க प्रभु को ठीक से खोज कर देखो महिचि तले
अनंतकाल की जो आनंद तुम्हारे सिर पर रहेगी चंचलमुम तविपुम ओडिपो दुख हट जाएगी यदि तवरगले सेदोमो जिसमें गलत किए अदनाल उंडन चंचलमुम तविपुम प्रचने ओडिपो तो उसके कारण जो छुपा हुआ शोक और लंबी सांस हट जाएगी हां देवोडे कार्यतलम सहीया इरंदा प्रभु के कार्य में ठीक रहेगी अपने मनसाच नमे सहीया का काटो हमारा विवेक हमें ठीक से चलाएगा अदनोडे कर्तुडे आलयतिक पोगर बोदु नमक संतोष उंडाकर चौथी बात प्रभु की भवन में जाते समय आनंद वचन संहिता 122 एक में वासिकला आनंदित लेकिन अभी समय देखेंगे उड़ने चल जाएंगे चलो बोलेंगे तो मेरे लिए ये काम है वो तिरुमण मैरिज कुछ फंक्शन है बोल देते हैं और वर मांडोरोड आलय के போகட்டால் என்ன ஆகப் போகிறது एक संडे नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा हां हम அந்த உலக பிரயாகம் போய் விட வந்து போய் விடுகிறார் हम दुनिया के जैसा रहेंगे करके चले जाते हैं भक्त प्रिय राजा भक्त ये जो दाऊद बड़ा राजा इतनीयो வேலைகள் இருந்திருக்கும் இது बहुत सारा इनको वर्क इतने புரோகிராம்கள் இருந்திருக்கும் कई सारे मीटिंग्स और प्रोग्राम थे तोड़े आलय के वासर पड़े காத்திருப்பதே நாடுவேன் என்று சொல்கிறார் लेकिन वो कहता है कि प्रभु की मंदिर के जो जो स्टेप्स में ही मैं रहूंगा आलय नाटले पार्कल कटल प्रारंभम ओरे नाल நல்லது என்று சொல்கிறார் हजार दिन को छोड़ो प्रभु के दिन में एक दिन रहना बहुत खुशी है आगामी पुराणगळ वासम பண்ணுவதே பார்க்கலோ और जो जिधर कोई रहता नहीं है उस तंबू में जाने देवनकु प्रियमला अतने प्रोग्रामगळिलम கலந்து கொள்ளதே பார்க்கலோ उनके ना प्रिय फंक्शन में भाग लेने से अच्छा तो आलयतिन वासनपडी காத்திருந்தோட வார்த்தை கேட்கிறதே நான் பெரிதாக எண்ணுகிறேன் और प्रभु के भवन के जो स्टेप्स में जाना ही बहुत बड़ा आशीष है करता हूं देवनकु आलयतिन போகறதே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியா प्रभु के चर्च में जाने के लिए हम बहुत आनंद होता है और अगली बात प्रभु को देने में दूसरा कोरिन्थियों आठवां अध्याय दूसरा तीसरा वचन उन्होंने बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई ये ना वासिकरा क्या हम यहां पर पढ़ते हैं और எல்லாம் நிறைவா இருந்தது सब कुछ उनके पास था और குடும்பத்துள்ள சகல தேவனும் சந்திக்கப்பட்டபொழுது மிச்சமீதே இருந்ததுன்னு சொல்லவில்லை प्रभु के जो सारे बात प्रभु ने देखे और बचा पूछा था ऐसा नहीं कहा ये வேதத்தில் மிகுந்த அருமையாக எழுதப்பட்டுள்ளது शास्त्र में ठीक से लिखा हुआ है அவர்கள் மிகுந்த கோத்திரத்தினாலே சோதிக்கப்படுகையில் वे तो बहुत क्लेश में बड़ी परीक्षा की तभी उदार प्रभु के लिए दिया अंदर का योजना पढ़ेंगे जरा सोच कर देखो मैं नाम के नल्ला वासे दिया रखूं मुझे आंध्र प्रदेश का पलवगमान योजना पढ़ना था हमारे पास जब सारा फैसिलिटीज होने के बावजूद प्रभु का देरी आंध्र के पहले से उन्होंने पढ़ के उन्होंने पढ़ा देते हैं योजना की हम सारे पढ़ते हैं ना कि हम मानसार चीजों ना लो मनसाजी उत्तरी देके अमेरिका करा वन्नु कुड़कर पे नंदन ने तोड़ गया कुछ लोग देने चाहते हैं लेकिन तो भी विवेक बोलते हैं तू शांत रह नहीं देंगे करके बोलते हैं नम्बे आश्रय तो वे तोड़ गए था ना अंदर नमक वाली काट गया हमें आशीष करके बढ़ाने के लिए प्रभु मार्गदर्शन दिखाता है मेरा और तंगल त्राणी तकला वो अपने जो हिसाब से भी ज्यादा तकल त्राणी के मिंजिन कोड़तार अपने हिसाब और अपने हिसाब से भी ज्यादा अदर को मनदुल्लो रुलाई रंदार
उसका जो मन वैसा थे उसके लिए हम गवाही करके प्रेरित दिखता पहले इतिहास 29 अध्याय आगे मोसे अरिविकिरा मूसा घोषणा करता है उनके सारी आगे दाऊद अरिविकिरा दाऊद घोषणा करता है और जो चर्च के बांधकाम के लिए बहुत सारा जो दिया अगर मुंदन वचन के लिए पहला इतिहास 29 अध्याय पहले से लेके चार क्या क्या दिया लिखा है और ये தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் மரங்கள் எல்லாம் கொடுத்து தனக்கு சொந்தமாக்குதெல்லாம் அந்த வேலைக்காக கொடுத்தார் அவர் பிரபுக்கு பவன்க்கு காம் கிளே சோனா சாந்தி ஆர் அயன் சப்புஸ் தே தியா மீண்டும் அவர் சொல்லுகிறார் வாபஸ் ஓகேதே இப்போது உங்களில் இன்றைய தினம் கர்த்தருக்கு தன் காணிக்கைகளை செலுத்த மனப்பூர்வமானவர்கள் யார் என்று கேட்டார் தப்பு புஸ்தகம் பிரபுக்கு மனப்பூர்வம் தேனே கிளே கோன் ஏகே புஸ்தகம் राजाओं के काम करने वाले और प्रभु लोग मनपूर्व मनपूर्व देवनुडे आलय की वेलाई के प्रभु के भवन की काम के लिए 5000 तालंत पुण्य काम करते रखा मदरा और जो 5000 टैलेंट गोल्ड दिया 14000 तंगत कासयो और जो पैसा भी दिया 14000 தாலந்து வெள்ளியையும் ஆர் ஜோ சாந்தி பி தியா 12000 தாலந்து வெண்கலத்தையும் ஆர் ஜோ கிட்டத்தட்ட 1000 ஜோ பிரான்ஸ் பி தியா ஆ லட்சம் தாலந்து இருமே அங்க எவ்வளவு அமல் தேவல ஏராளமாய் எல்லாரும் கொடுத்து இருக்கிறார்கள் ஆர் லாக்கோ கே ஹிசாப் சே சப் லோக் நே தியா ஹை யார் கே ரத்னம் இருந்ததோ ஆர் ஜிஸ்கே ஹாத் மே சோமோதியா தி நம்ம அவரை இசே கொடுத்துருவோமா हम जो मोतिया जल्दी दे देंगे पैसा भी कुड़ के वाली इल्ला अगलो इधर वो रिसर्च तो कुछ नल्ला स्टैंडर्ड कुड़ रहा पर नमन ना आ रही है ला कारण था अब पैसा तो भी हम सोचते हैं नम्र इधर लंग कड़ी ना पट्टे बोल रखे हैं हमारा हृदय कड़ी हो गया आंधा उनके कान के सर तो ना कड़ी ना पट्टे बोल रहे प्रभु को भेंट देना मतलब कड़ी ना इल्ला नहीं सोल रही है मैं सबको नहीं कह रहा हूँ मक्कल मनपूर्व में निरय से कर रहे लोग मनपूर्व करते हैं आना कड़ी ना पट्टे बोल रहे ना मैं हृदय यार बोल दो रहे कूड़ा लेकिन कठिन होने के लिए हृदय को जगह मत दो कड़ी ना पट्टे कड़ी ना पट्टे कोई बड़ो फिर कठिन होकर दिल पत्थरी हो जाए कई यार रत्न अरे कोड़ता गला जिनके हाथ में जो डायमंड है मोती आती वो लोग भी दे दिया अरे मनपूर्व में कोड़ता दरका गए ऐसे मनपूर्व दिया जाने के लार संतोष पटार गला लोग सब खुशी हो गए ये तो संतोष पटार गला क्यों खुशी हो गए தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு பிரபுக்கு பவன் के लिए ஏராளமாய் கொடுத்திருக்கிறோம் என்று சந்தோஷப்பட்டார்கள் ஓ दिया करके खुशी हुए கொடுங்க அப்பொழுது உங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும் तो तब तुम्हें भी दिया जाएगा நீங்க கொஞ்சம் தான் கொடுக்கணும் आप थोड़ा दिया दो அப்படி கொடுத்தா கூட अगर ऐसा दिया दो ஆவிக்கு குளிக்கு சரிந்து உங்க நந்தாலந்து உங்க மடியாலந்து கொட்டுவார்களுக்கு வேதத்திலே சொல்லப்பட்டோம் और जो ऐसे देंगे कि एकदम हाथ मिलाकर भर कर गिरने से ज्यादा दे देंगे ये सही के बारे में अपन तो वाक के लिए अनुभव उंडा ये कर कर देखो तब तुम्हें जिंदगी में इसलिए प्रभु के लोगों के लिए और गरीबों को देना और जो आश्रम देना ऐसा कई अगला पॉइंट हम किस में खुशी हो आत्मा आदेश से यदि हम संतोष पड़ा पड़ी हो आत्मा को जीतने में खुशी वंदु वर्ग 9 मणिकर 16 वचन देवासी केला पहला कोरिन्थियस 9 अध्याय 13 वचन संदेश नहीं किया तो मेरे हाय परमेश्वर के प्रेमी सेवकों और प्रेमी बच्चे लोग ना कंडीपा நாம் வந்து ஆத்மாவை செய்தியாக வேண்டும் ஜரூர் ஆத்மா ஜோ ஜீத்தா ஹை அப்படி எல்லாரும் வாழ்க்கையில நமக்கு ஐயோ என்று எழுதி இருக்கிற ஐசாய் தோ மர்லே ஹாய் கர்க்கே லிகா ஹுவா அது நமக்கு நல்ல பேசும் திறமை தந்திருக்கிறார் பிரபுனே பாட்சித் கர்னே கி வேதத்தை வாசித்து அறிந்து உள்ளத்தில் வைத்து வைத்திருக்கிறோம் சாஸ்திர கோ படுக்கர் மன் மே ரக்கே ஹை அக்க பக்கத்துல எத்தனோ வீட்டுக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆஜு பாஜு பொத் சாரி நேபர்ஸ் எத்தனோ பேர் பார்க்கிறோம் பேசுகிறோம்
कितना बार बाजू बाजू लोग से बात आपने बात सुनो प्रभु का वचन बोल रहा और जो पापियों को पाप से छुटकारा आपकी समस्या से सोते तुम्हारे बीमारी से चलना आलयत चल रहे आप लोग चर्चाओं में लेके ऐसा चर्च में लेकर आना प्रयास सुसमाचार के लिए प्रयास जो भी आंसुओं के साथ बोलेगा वही गंभीरता के साथ उसको काटेगा जब बरसात आती है तो बीच सब जाकर कितने मेहनत से बोते एकदम कष्ट उठाकर मेहनत करके वो प्रयास करता है एक जो बीच जो है वैसा दस हिसाब से लेकर जाता है कष्ट कष्ट फिर जो उसमें बीज डालता है फिर मिट्टी को करता है जाते समय थोड़ा सा जब अभी उगने के बाद 50 किलो से ज्यादा है मान लो आप कष्ट पड़ गया ना तब क्या वो कष्ट संतोष बहुत खुशी से उठा कर लाता है सारे बोझ को उठाकर खुशी के साथ और गंभीर के साथ आता है देवा नमक नंगा का बोली गिरा प्रभु अच्छे से समझाते हैं नंगा का संभाली के बैठो अच्छा कमाना है हम नंगा का बाला बैठो हम भी अच्छे से जी आज तो वर्क तो हम सही होंगे कार्य के लिए सही तो पढ़ लो तो तेरे नाम होंगे आगे ऐसे उनका करना पड़ा बैठो प्रभु के लिए मेहनत करके स्वर्ग में हम पैसे वाला होना चाहिए आज बड़ी नले आत्मा में सही बैठो इसलिए आत्मा को जीत आत्मा कल कर सलो सही बैठो आत्माओं के लिए खर्चा करना है सलो सही पड़ा बैठो हम खर्चा करना ही है नमक के फिर ये संतोष से देते रहो वो हमारे लिए बड़े खुशी देते हैं हम लोग के फिर ये पोकिश से देंगे भाई तेरे को स्वर्ग में बड़ा तोहफा रखा है अगले गुलिये के लिए पाड़ बोलो दीना अगला पॉइंट जो है सेवकाई में कष्ट उठाने के लिए बंद बोलो दीना ये जो सेवा में भागी रहे गुलिये के लिए गुलिये से प्रभु के लोग आपके आशीषों से कले से संभालते हैं प्रेरित पांचवा अध्याय में देखते हैं 42 வரையில் वहां पर 41 हम जो अपमान सहने के लिए हम योग्य है और उसके जो भाग्यशाली सोचते हैं प्रभु का काम निंदित पोगट्टो इंसान कर दो अनादित उठ पोगट्टो मान दे दो इधर का बलन परलोकத்தில் எங்களுக்கு ஏராளமாய் இருக்கும் इसका फल स्वर्ग में बहुत बड़ा होगा अपने और लाने तो पात्र रहा के इन्हें बढ़िया उसका योग्य है सोचा इसलिए आगे पूरे तो संतोषமாக பரப்பட்டு வந்தார் उस भीड़ से खुशी खुशी वो लोग लौट गए देवालय पर तिरपति में प्रसन्न मनीनार के रोज जो है भवन के बाहर जाकर संदेश देते हैं और भीड़ वाला कोई जब मनीनार के अरे घर पे जाकर प्रार्थना की आगे देवड़ा हम उपदेश मनीनार के और निरंतर उपदेश किए येशुवे क्रिस्तें तो प्रसन्न मनीनार के येशुवे मसीह करके संदेश दिए अगुली देवर का पाठ के लिए बिगंद संतोष मनीनार के सेवका में आने वाले दुख में खुशी उठा आ बढ़िया लगता है ना पटन के लिए आंदर वर्ग तो बोलो कि काना पड़ा पटन के लिए पड़ी रंद वासल में उनके पड़ी रंद प्रेयर का येल्दा पटन और इसीलिए जो स्वर्ग में 12 द्वार दरवाजा है और 12 दरवाजे में 12 प्रेरितों का नाम और उड़ा ना पाठ के लिए सही था उनके साथ बोझ उठाए और उड़ा आवल गेम सही हो हम उनके साथ राजकरण भी करेंगे आज तो जीव पुस्तक में हमारे पैर एलिदिर के कारण हम संतोष पड़ रहे जीव पुस्तक में हमारा नाम लिखा है इसलिए आलू का पता नहीं गया हम ये और आवासना लुका 10:20
उनका नाम अगर परलोक में लिखे रहते हैं कहाँ संतोष पड़ेंगे तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है इसलिए तुम्हारा नाम नाम रचित कर पड़ रहे हो हम उधर पाए देव उनके पिता के लाये रख रहे हो प्रभु के बच्चे लोग परलोक के लिए हमारे पैर ये लगा पड़ रहे हैं स्वर्ग में हमारा नाम लिखा है हाँ निकलो उनके पड़ के लिए इनके सेव तो वही क्या करेंगे यहाँ पर तुम्हारा जो सामान जमा मत करो इनके पुड़ू पूछ मारी तो रहो यहाँ पर कीड़ा मकोड़े पड़ जाए ये सेव तो वही तेरे फिर गए ज्यादा सम बचा लेगा अगला दिन यीशु आ जाएंगे यदि क्योंकि उन लोगों को उड़िया कुछ लेकर नहीं जा सकते बालों के लिए इनके लिए ले आए रखा पड़ा है स्वर्ग में आप लोग का जो कंगाल में नहीं रहना है इन दोनों के लिए रखें तो बोल दे दुनिया में रहते देव नमक नियम के रास्ते ना कार्य के लिए लो प्रभु जो भी नियम दिया देव लेके तो बोल के बैठो माँ और जो प्रभु को देना है तो बोल के बैठो माँ भगवान के देना है इनके लिए बोल के बैठो माँ भगवान के देना है दसों मांग ले बोल के बैठो माँ दसम देना है कान के लिए सलते बैठो माँ तो बैठ देना है जब मन कान के सलते बैठो माँ हर्षित बैठ देना है मकल उदय से बैठो माँ जो गरीब लोगों को मकल उदय से अच्छा दिन में जो है गरीब लोग को मदद करना कई बातों में खर्चा करेंगे इधर का पैसा स्वर्ग का पैसा में जो बदल कर वो स्वर्ग में उसका डिपॉजिट बैंक बैलेंस करना पड़ो स्वर्ग में अपने बैंक के खाता का जब भी प्रभु आएंगे उधर जाकर खुशी के साथ महिचि सोचकर सोचकर ही बहुत बड़ा आनंद होता है अधिकारम पता वसन देख में आठो अध्याय दसो वचन में आगे मिगो अलगा लिखी रखे बहुत अच्छे से लिखा है நீங்க போய் கொடுமையானதை புசித்து தேவனுடைய பிள்ளைகள் கொடுமையானதா இல்லையா நல்ல கொடுமையான சாம் பிரதருக்கும் ஒரு சிரிப்பு வருது நல்லா கொடுமையானதா சாப்பிடணும் और जो हम लोग अच्छा अच्छा आहार खाना है हां கொடுமையானதை புசித்து अच्छा आहार खाकर மதுரமானதை குடித்து இல்ல ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான ஐட்டங்கள நல்ல முறையில சாப்பிட்டு நீ திருப்தி அடைந்தா அப்படி சொல்லி இருக்கற अच्छा अच्छा पदार्थों को खाओ और पियो करके प्रभु कहता है और जिनके पास कुछ नहीं उनको दो क्रिसमस वंदो क्रिसमस आएगा வசதி இருக்கிறவங்க துணி மணி எடுத்துக்கலாம் நன்றாக மட்டன் எல்லாம் வாங்கி சாப்பிடலாம் நிறைய ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி சாப்பிடலாம் ஏழை மக்கள் நிறைய இருப்பாங்க और जो अच्छा पैसा है न्यू ड्रेस ले ले खाना खा सकता है लेकिन गरीब लोग भी है हां அவங்களுக்கு நாம் நினைவ கூட வேண்டும் गरीब लोग को थोड़ा அவங்களுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும் उन लोग को भी हम देना हां வசிக்கலாம் இந்த நாள் நம்முடைய ஆண்டவருக்கு பரிசுத்தமான நாள் हां இந்த நாள் நம்முடைய ஆண்டவருக்கு பரிசுத்தமான நாள் आज का दिन हम प्रभु का यहोवा का पवित्र दिन யாரும் கவலை பட வேண்டாம் விசார பட வேண்டாம் உட்கார்ந்தா ஆனந்தித் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆனந்தித் ரவுக்கு வாபஸ் கேட்டார் கர்த்தரை தேடுகிறதிலே நாம் வந்து ஆவிக்குரிய சரீர பிரகாரம் எல்லா சந்தோஷம் அடைய வேண்டும் हम प्रभु को खोजने में हमारे को जो खुशी मिलती है கர்த்தரை குறித்து தியானிக்கிற தியானத்தினால் நாம் சந்தோஷப்பட வேண்டும் प्रभु के बारे में जब ध्यान करते हैं उसमें हम जो है खुशी होना चाहिए देवोंद रक्षिपे நினைவுகூர்ந்து நாம் रक्षिपे अनेक रक्षिपे கொண்டு வருவதை செய்து நாம் வந்து சந்தோஷப்பட வேண்டும் और जो प्रभु के उद्धार और दूसरे लोग को उद्धार लेके आना उसमें खुशी होना है கர்த்தரை प्रभु के मंदिर में जाना उसमें हम खुशी होना चाहिए प्रभु में जो देना उसमें हम खुशी होना चाहिए जीतना उसमें हम खुशी होना चाहिए सेवकाई में सपोर्ट करने में खुशी होना जीव आखिर में जीवन पुस्तक में हमारा नाम लिखा है उसके लिए खुशी उठाना प्रभु में आनंद लेना है हमारा बलन है वचन के कहते देव के पिल्ले प्रभु के वचन सुने प्रभु के लोग பதித்தவர்களாய் இசை மண் மே ரக் லோ இந்த வசனத்தை இப்படி ஜீவிக்கிறவளாய் காணப்படுகிறீர்களாய் இஸ் வசனம் கே அனுசார் ஜியோ அப்படியே காணப்பட்டு தேவாசன் நிறைவாய் பெற்றுக்கொள்வீராய் வைசை ஆப் ரெந்தர் பிரபு கே ஆசிஸ் பாலோ ஆ கர்த்தர் உங்களை எல்லாம் இமாசுரே பிரபு ஆப் சப்கோ ஆசிஸ் கரே ஆமென் ஆமென் ஹalleluya ஹalleluya